नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि हाल ही में और कई मामलों को देखते हुए प्रदेश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल के बाद बढ़ाई जा सकती है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वह निजी रूप से ऐसा नहीं चाहते हैं और सरकार ने अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 490 केस सामने आ चुके हैं और प्रदेश में अब तक कुल 26 लोगों की मौत हो चुकी है। टोपे का यह बयान महाराष्ट्र में हाल ही में बढ़े कोरोना के कई मामलों को देखते हुए आया है। इनमें मुंबई के धरावी इलाके में मिले कई पॉजिटिव केस भी शामिल हैं। हजारों झुग्गियों वाले इलाके धरावी में कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। ऐसे में अधिकारियों के लिए यहां पर संक्रमण को रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके साथ ही मुंबई में शुक्रवार को CISF के 6 जवान भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शुक्रवार को मुंबई में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। अब यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। राज्य में कोरोना के लगभग 67 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 6 मरीजों की जान गई है। अब तक मरने वालों की संख्या देश में 26 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा 14 अप्रैल के बाद भी राज्य में लॉकडाउन का हटना या नहीं हटना लोगों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों को लोग कितना पालन करते हैं इसके आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल लॉकडाउन हटाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 पार कर चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 500 के पार हो गई है। इसके साथ ही CM ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक जो अलगाव जैसा कि सांप्रदायिक तरीके से मैसेज फैलाने वालों को जो व्हाट्सएप फेसबुक पर फैला रहे हैं जो मैसेज, उनके लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 50 लोगों को उपचार के बाद डॉक्टरों ने मरीजों को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। BMC ने बताया कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। 5 सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके मलाड, वर्ली, घाटकोपर, भाईखल्ला और शिवाजी नगर गोवंडी है। BMC ने कोरोना वायरस के कारण M वेस्ट वार्ड चेंबूर देवनार में सर्वाधिक 21 परिसरों को प्रतिबंध किया है। इसी तरह N विभाग के अंतर्गत 20 परिसर, पश्चिम के अंतर्गत बांद्रा से सांता क्रूज के बीच 11 परिसर हैं और D विभाग के तहत मलबार हिल में 11 परिसर सील किए गए हैं। तो लगातार जो है कोशिश जारी है महाराष्ट्र सरकार की और जो है यहाँ की जो प्रशासन है, डॉक्टर हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस का भय लोगों में है, बढ़ती संख्या दिखाई दे रही, उसको निपटने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन 14 अप्रैल की बात जो सामने आ रही कि उसके बाद जो है खुल जाएंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, तो ये फिलहाल कहना मुश्किल हो रहा है। और फिलहाल जो है उद्धव ठाकरे ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अभी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ऐसा आशा लगाया जा रहा है कि वो 14 तारीख के बाद और भी आगे डेट बढ़ सकती है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।